गाजीपुर में महानगरों से प्रवासी मजदूरों का आना लगा हुआ है। ऐसे में प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि इन प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक सही सलामत पहुंचाया जा सके। इस क्रम में गाजीपुर जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह के निर्देशन में बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को बसों द्वारा घर भेजने का काम किया जा रहा है। शहर के सभी चौराहों पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है ताकि बाहर से आ रहे प्रवासी पैदल न चलें और उन्हें साधनों द्वारा उनके घरों तक छुड़वाया जा सके। बता दें कि प्रशासन द्वारा सभी प्रवासी मजदूरों का पहले जिला अस्पताल में स्क्रीनिंग करवाया जा रहा है, उसके बाद उन्हें उनके घर तक छोड़ा जा रहा है। इस पूरे क्रम में कोतवाली प्रभारी धनंजय मिश्रा, यातायात प्रभारी सुधीर त्रिपाठी, रजदेपुर चौकी प्रभारी आशुतोष शुक्ला, क्राइम ब्रांच प्रभारी किशोर कुमार चौबे, एसआई रमाशंकर चतुर्वेदी, एएसआई ब्रिजबली तिवारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। जाना है वो हमारे दाहिने हाथ पर जो है गाड़ियां अभी खड़ी हैं, उस पर बैठे, और जिन यात्रियों को जमनिया, मोहम्मदाबाद, बलिया, बक्सर की ओर जाना है वो हमारे बाई ओर, इनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था कराई गई है। पहले सुख जलपान कर लें और फिर अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।